सिंगरौली जिले के देवसर तहसील में एक पंचायत सचिव की तीन पत्नियां चुनावी मैदान में हैं। तीनों पत्नियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अपना नामांकन दाखिल किया है। पहली पत्नी का नाम कुसुम कली सिंह, दूसरी गीता सिंह और तीसरी पत्नी का नाम उर्मिला सिंह है। वही सचिव की पहली पत्नी कुसुम कली सिंह और दूसरी पत्नी गीता सिंह चुनावी मैदान में सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र पिपरखाड़ में दोनों आमने सामने हैं। वहीं गीता सिंह ग्राम पंचायत पिपरखाड़ में पूर्व में सरपंच रह चुकी हैं, तो वहीं तीसरी पत्नी उर्मिला सिंह देवसन ने जनपद के वार्ड क्रमांक 13 पेड्रा से सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि सरपंच सचिव वर्तमान में घोघरा पंचायत के सरपंच सचिव हैं, जिसे लेकर देवसर जनपद सीओ ने सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। सिंह ने तीन पत्नियां होने की जानकारी छिपाई थी, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड करके जिला मुख्यालय से अटैच कर दिया है। पूरे मामले को लेकर सीईओ वी के सिंह ने हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत दो या उससे अधिक पत्नियों के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सिंगरौली से राजेश दुबे की रिपोर्ट। तीन है, तीन में पहला नंबर था कुसुम कली सिंह, वो भी पंचायत चुनाव में लड़ा है। दूसरा नंबर गीता सिंह, वो भी पंचायत चुनाव में लड़ा है। तीसरा नंबर उर्मिला सिंह, वो भी जनपद में लड़ा है, सुखराम सिंह घोघरा पंचायत से और कटदहा में पदस्थ थे। प्रकार के सुखराम सिंह का पत्नी तीन है, जो कि पहला नंबर है, उनका नाम कुसुम कली सिंह है, सरपंच पद में हैं, मतलब है नहीं, अभी फार्म डाले हुए हैं। और दूसरा जो है तो गीता सिंह है, वो अभी वर्तमान में सरपंच हैं और प्रत्याशी भी हैं। और तीसरा पत्नी का नाम उर्मिला सिंह है, जो कि जनपद में अभी फार्म उनका चला हुआ है, तेरा वार्ड।